वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वाटर पे। आसिफ भाई इधर देखिएगा, तो ये सारे वाटर हमने पानी लेके आया है। पानी में हम ऐसे चेक करने वाले हैं, उसका TDS चेक करने वाले हैं, एसिड बेस और उसका न्यूट्रल जो pH होता है वाटर का, तो वो चेक करने वाले हैं। पहले आप तो हम बता दें आपको ये TDS होता क्या। इसको बोलते हैं टोटल डिजॉल्व यानी कि सॉलिड्स, यानी कि आपका जिसमें इसमें पदार्थ कितने सारे, यानी सॉलिड पदार्थ कितने सारे इसमें क्या है घुला हुआ है। जो सॉलिड मटेरियल्स है, जैसे कि सॉलिड कौन कौन हो गया, मैग्नीशियम हो गया यानी कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारी चीज़ जो हमारे पानी में पाया जाता है नेचुरल रूप में, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मेरे पास एक आपके जाके ये TDS मीटर है मेरे पास, उसके बाद सोल्यूशन है, ये लिटमस सोल्यूशन है मेरे पास, तो इसकी मदद से हम लोग आज चेक करेंगे। ये हमारा TDS है। TDS क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, तो इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि जो पानी है इसमें कितना जो मेटेरियल है कितना यानी कि खुला हुआ है। तो आपको यानी कि पता होगा कि इसमें नॉर्मल पानी का जो TDS है कितना होता है, इसका 50 से 150 बहुत एक्सीलेंट होता है, जो आपको पीने योग्य बहुत अच्छा होता है। अगर आपका 250 तक है तो वो गुड है, उसके बाद अगर 300 तक है तो यानी कि चलेबुल है, चल सकता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आप उसको आप नहीं पी सकते। अगर 1200 से ज़्यादा हो गया, 1200 से, तो वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो पीने के योग। तो आज हम लोग बात करेंगे ये सारे चीज़ को। तो ये मेरा पानी है, जो आप इधर थोड़ा जाइएगा, ये देखिएगा, ये जो पानी है आप डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, जो आपको कैंट में मिलता है, जो आपको फिल्टर इसमें प्लांट पे, तो ये पानी ये है। उसके बाद ये दूसरा आप देख रहे हैं, तो ये घड़ा का पानी है। ये जो आप देख रहे हैं घड़ा, इधर थोड़ा देखिएगा आसिफ भाई, ये घड़ा है। इस पानी को हम लोग पहले इसमें डालते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे देखो इसका TDS कितना होता है, इसका TDS कितना होता है। ये जो आप मार्केट में आप पीते हो जो बिस्लरी के नाम से, ये पानी है। और एक हम पानी और एक इसमें ऐड करना चाहेंगे, जो हम अभी लोग कर्नाटक में हैं, कर्नाटक में पानी का क्या TDS है, जिसमें हम लोग रोज़ नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा धोते हैं। तो आइए इसका पानी एक यहाँ से अपना जो टंकी का पानी है, अपना बोर का पानी है, एक बोर का पानी लेते हैं, इसका TDS देखेंगे। प्राइस आ जाएगा, तो ये टंकी है, ये टंकी का पानी ले रहे हैं एक, इसका हम लोग TDS देखेंगे, जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं इस पानी को। तो हम लोग इसको इस पानी से हम लोग सिर्फ नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, और इसको पीते नहीं है, खाना भी नहीं पकाते हैं, क्योंकि अगर आपको TDS अगर ज़्यादा TDS हो तो आपको कैसा लगेगा। ये पानी अगर जिसमें ज़्यादा TDS होता है, जिस पानी में, वो टेस्ट में क्या होता है ना, बीटर होता है, यानी हाईली साल्टी होता है। अगर खाना पका हो गया आप तो आपका क्वालिटी सही नहीं आएगा। इधर थोड़ा आ जाइए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो आप, जो कैंट का पानी आता है। और अगर आप उसी पानी को आप किसी घड़ाई में रख दीजिएगा इस तरह का, तो आपका उसका TDS कितना बदल जाता है। ये आपका TDS मीटर है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो हम लोग इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसको देखिए, थोड़ा जाइएगा, इसको डीप करेंगे इधर, तो डीप करने के बाद कितना बता रहा है, कितना कितना है भाई, 147 किसका, स्कैन का। तो तो हमारे नॉर्मल कितना है TDS, 52 यानी कि 150, तो इसका तो इतना आ गया 147। अब जो घड़ा का पानी है इसमें कितना है, 155। तो देखिए भाई, ये भी पीने योग्य है, ये अच्छा है, क्योंकि ये जो होता है ना, जो कैंट का पानी जो होता है, तो उसमें जो यानी मशीन जो होता है उसको क्या करता है ना, मिनरल्स जो जितने सारे होते हैं उसको काट देते हैं। तो इसमें कितना है, 147 है। तो जितने सारे मिनरल्स की ज़रूरत था, तो ये घड़ा क्या कर दिया, अपने ओर से इस पानी में ऐड कर दिया। और ये जो पानी है, जो लिखा हुआ है डायमंड लिखा हुआ है, उसके बाद एक्वा है, इसमें बोलता है कि हम इसमें मिनरल्स ऐड किए हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कितना है, कितना भाई, 29 भाई, यस सही से देखिए, सिर्फ 029 है, ओनली 29। तो फिर से देखिएगा, थोड़ा एक मिनट हमको देखने दीजिए, क्योंकि इसका TDS थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि ये सब जो पानी होते हैं ना, इसको पूरी तरह से जितनी भी बाद में इसके अंदर मिलस मिलाते हैं वो लोग, क्योंकि जितने सारे ये होते हैं क्या बोलते हैं, जो मिनरल मेटल्स जो होते हैं उसको लोग निकाल देते हैं, फिर बाद में उसको ऐड करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, आसिफ भाई इधर जाइएगा आप, तो दिखाइएगा, वही सेम है 30। तो हाँ, तो इसका TDS थोड़ा बहुत कम है। और जो इसमें अब हम लोग देखते हैं किसका, जिस मेरे जो रूम का पानी है, जो हम लोग बोर में यूज़ करते हैं रोज़ डेली लाइफ में, तो इसको देखते हैं हम लोग, तो इसका कितना देखिए, 107
107? हाँ नहीं नहीं थोड़ा सा ऐसे देखिएगा 107 वाई। एक मिनट फिर से देखने दीजिएगा। तो इसका आपका जाके 1500 है, 1500 इसका टीडीएस आपका 1500 टीडीएस है। तो आप समझ सकते हैं इस पानी में कितना ई है। देख आप सब आप भी दे सकते हैं इसमें, एक यहाँ पे है। तो सही भाई 106 था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका टीडीएस इतना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब अपना ई करते हैं पानी को जब गिराते हैं नीचे, तो इसे थोड़ी इधर रहिएगा जूम करके दिखाइएगा। तो हम लोग गिराते हैं अपने इसमें, तो उसमें व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है, वो क्या है, वो मैग्नीशियम है, वो कैल्शियम है। तो ये चाह रहे थे क्या होगा, टीडीएस हो गया। ये भी पीने योग्य है, ये भी अच्छा पानी है, जिसमें पूरे तुरे से मिनरल्स है जो चाहिए आपके बॉडी को, वो सारे चीज़ है इसके अंदर। तो ये जो है, ये जो आप कंपनी का पानी जो पीते हो बाहर से, तो इसमें क्या करता है, हम लोग ना सारे मिनरल्स को क्या कर देता है। इसका 20 रुपये दाम होने का क्या कारण है, इसका 20 रुपये होने का कारण यही कारण है कि इसको बहुत अच्छी तरह से वो लोग प्योर कर देता है। क्या कर देता है, जितने सारे मिनरल्स होते हैं ना, जो हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जितना क्वांटिटी में चाहिए, मगर जैसे कि ये घर का पानी है, ये घर का पानी में 155 है FDDS। 155 होने का क्या कारण है, इसके जो हम लोग एसेंशियल मिनरल्स है वो सारे ऐड है। जो ये पानी थोड़ा आपको मीठा नहीं लगेगा, मीठा क्यों लगता है हम लोग को जब पानी में वो सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए हम लोग को मीठा लगता है, थोड़ा बहुत टेस्टी लगती पानी। जो टेस्टी नहीं लगता है, आपने ब्लैक वाटर का नाम सुना होगा, वो क्या होगा, टेस्टलेस होता है। क्यों टेस्टलेस होता है, उसमें सारे जितने सारे मिनरल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा बात होते हैं उसको निकाल के फेंक देता है। चलिए अब ये हो गया आपका टीडीएस मीटर से हम लोग नाप लिए। अब हम लोग इसको हम लोग लिटमस, ये है लिटमस पेपर। आपने बचपन में सुना होगा कि आपने जो पेपर है हरा को ब्लू, ब्लू को लाल, लाल को ग्रीन, इस तरह सुना होगा। तो ये क्या है, सोल्यूशन है उसी का। तो इस सोल्यूशन को हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये है रेड, रेड क्या है, आपका एसिड लेवल को बताएगा, जो यहाँ तक ये लो तक यहाँ एसिड लेवल बताएगा। ये ग्रीन ये क्या बताएगा, आपका नेचुरल लेवल को, यानी कि न्यूट्रल लेवल को बताएगा आपका। ये अल्कलाइन यानी बेसिक यानी कि सॉल्ट लेवल को बताएगा, कौन, ब्लू, इधर यहाँ पे देखिए। तो ये क्या है, ये सारे पीएच को हम लोग मापेंगे। जो ये क्या है, जो नेचुरल है ना, जो न्यूट्रल है, तो क्या होगा, इतना डीप ग्रीन नहीं होगा, थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन होगा। जितना जो अल्कलाइन की तरफ जाते जाएगा ज़्यादा ग्रीन होते जाएगा। जैसे इसी तरह है एसिडिक की तरफ, थोड़ा येलो येलो आएगा, येलो का ज़्यादा जितना एसिड रहेगा उतना रेड हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसमें शुरू करते हैं यहाँ से। आसिफ भाई आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे, चलिए। और ये गिर गया, तो ये क्या है, एक बूंद, दो बूंद, आप देख सकते हैं कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। और थोड़ा डाल देते हैं, पानी कैसा हो गया, ग्रीन चेंज हो गया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। हाँ आप देखिए, आप ये किसका पानी है, घरा का पानी है, घरा का पानी में लीटर सोल्यूशन हम डाल रहे हैं, तो देखिए कैसा चेंज होता है, क्या हो गया भाई, ये भी ग्रीन चेंज हो गया। तो ये भी क्या है, आपका न्यूट्रल है। अब ये पानी किसका है, जो आप बाजार में पीते हो वो पानी है, बोतल का पानी जो महीनों महीनों पैक रहता है। तो इसमें भी टीडीएस, इसमें भी ये क्या है, थोड़ा बहुत येलो की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा ये पूरा ग्रीन है, ये थोड़ा येलो की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स थोड़ा एसिडिक पानी है ये। अब इधर आइए, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट ये ग्रीन दिख रहा है हमको, इसमें कोई ये है। और हम एक बार इसको टेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे पानी ये हो गया, सिर्फ ये येलो आ रहा है। तो आसिफ भाई फिर से हम लोग चलते हैं, एक अपना टंकी का लेके आते हैं जो अपने वाला है, आइए। हमारे टंकी का पानी बहुत नीचे है और हमको पानी मिल गया है, और ये पानी से हम टेस्ट करने वाले हैं। वो टंकी में पता नहीं क्यों उसमें तो नॉर्मल आ रहा था, और इस टंकी से हम लोग बात करेंगे अब। चल इसका टीडीएस देखेंगे, क्योंकि देखिए आप इसके हिसाब से अपनी नॉर्मल आ रहा है, बट वो हम टंकी का पानी है, एक ही बोर का पानी है, ऐसा है तो यार पीने का लायक है फिर ये तो पानी। यार देखो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, जो ये है ये तो थोड़ा येलो कलर का आ रहा है। आसिफ भाई थोड़ा इधर आइएगा। अच्छा इसमें बता रहा है दादा 900 तो जा रहा है, हाँ 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 हाँ
कितना है भाई? 900? 1000 अप्रोक्स। 1000। अरे हम लोग का टंकी में क्या है? हम लोग को साफ करना पड़ेगा लगता है। ये तो समीर भाई लोग का टंकी, फिर से एक बार लेके आते हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, एक ही चीज़ का पानी है, एक ही बोर का पानी है। इसमें तुम देखा था ना, 1000 था क्लीनिंग होगा। हाँ इधर यही सोएंगे, फिर से लेके आते हैं। चलो दोनों पानी एक ही जगह से आ रहा है। इधर आइए ना, थोड़ा पहुँच कीजिएगा। बट ये लोग में सेवाल ज़्यादा है अंदर में क्या? ठीक है, ये ऊपर का पानी था, हम अंदर का पानी लेंगे। आप देखे इसको मिक्स करके पानी लेंगे आप, क्योंकि उसमें आपको 1000 के अप्रोक्स दिख रहा है TDS, जो आपको पीने के योग है ही नहीं है। मगर दोनों पानी सेम जगह से आ रहा है, उसका TDS चेंज क्यों हो गया उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका पानी एक लेते हैं हम, मिक्स करने के बाद अंदर से पानी लेंगे। अभी हम उस समय ऊपर से पानी लिए थे, तो अभी हम अंदर से पानी लिए हैं और चलते हैं फिर इसको चेक करते हैं। अभी चेक करते हैं और देखते हैं कितना है इसमें TDS। क्या है मतलब, दोनों तो एक जगह से आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, और हम एक और मेरा एक आंटी का है, एक है टंकी क्लीन कर से है, टंकी है तो उस टंकी का लेके आते हैं। ये जादू हो रहा है भाई, ये जो तीनों टंकी है ना, तीनों का सोर्स एक जगह है, एक ही पानी, एक ही बोर है। बट उसका पता नहीं, बहुत दिन से रखा हुआ वो पानी है, स्टोर किया हुआ पानी है। उसका भी मेरा जो सीनियर है वो लोग चले गए हैं, हम लोग डेली यूज करते हैं, तो मेरा 1000 है उसमें TDS। बट इसमें 100 दिखा रहा था। ये हमारा वाला है, ये समीर भाई लोग का वाला है, ये आंटी का टंकी है। इसमें देखते हैं व्हाट हैपेंस। कितना? 105। फिर ये हम लोग का वाला है, आप देख सकते हैं हम लोग का टंकी खराब है क्या? दैट इज 900। ये भी आ गया उतना ही। हाँ 960। अभी उस समय घुलाने था सेसे, ये भी आएगा, ये भी वही है, वो भी है, सेम है, सेम है, सेम है। क्योंकि उस समय से जो पानी का ऊपर का लेवल था ना, ऊपर का जो है वो फिल्टर्ड हो चुका था। चलिए सॉल्यूशन मिला है, अब हम लोग सॉल्यूशन मिला के देखते हैं। ये आंटी का, इसका टंकी का, ये हम लोग का, ये समीर भाई का। अभी तो तीनों का TDS सेम आ गया, क्योंकि उस समय से घुला हुआ पानी नहीं था, अभी सही से घुल गया पानी। अब इसमें इसमें आप सॉल्यूशन मिलाते हैं। देखिए आसिफ भाई, इसमें सॉल्यूशन मिलाते हुए तो ये थोड़ा सा येलो आ गया, ये सारे ग्रीन, ये डीप ग्रीन किसमें आया है देखिए तो, क्योंकि हल्का जितना डीप ग्रीन होगा उतना अल्कलाइन होगा। ये देखिए डीप ग्रीन है, ये भी डीप ग्रीन है। तो ये सब क्या होगा पीने में आपको ना, क्या सॉल्टी लगेगा। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिखाइए, देखिए ये ग्रीन कितना है, बहुत कम ग्रीन है। ये किसका घरा का पानी है, दैट मीन्स ये आपका पूरा अच्छी तरह से। ये देखिए ये कैसा पानी है, जो आप कैंट लेके आते हो, कैंट में भी देखो आप जो इसमें रह के, देखिए कितना डीप ग्रीन। ये भी थोड़ा बहुत आपको साल्टी लगेगा, क्योंकि देखिए उसका स्केल थोड़ा लाइट ही होना चाहिए, लाइट आपको ग्रीन होना चाहिए, जो आपका ये लाइट ग्रीन है। ये देखिए थोड़ा येलो आ गया, येलो है आपका, देखो थोड़ी एसिडिक की ओर जा रहा है ये। और ये पानी देखिए आप थोड़ा येलो की तरफ जा रहा है। तो ये सबसे अच्छा पानी किसका है? घड़ा का पानी है। देखिए आप पूरा तरह नेचुरल की तरफ देखिए, इस सब पानी को देखिए आप, ये सब पानी पूरी तरह से यानी डीप ग्रीन में गया है। देखिए ये सारा टंकी का पानी है, सब टंकी का पानी है। ये क्या है, पूरा अल्कलाइन नेचर का है। क्यों अल्कलाइन नेचर का है ये पानी, इसमें मैग्नीशियम इतना ज़्यादा है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इसमें भरा भरा है। तो आप प्रीफर करो, आप ऐसे आप दे सकते हो यहाँ पे, आप घरे का पानी को प्योरीफाई करो। कैसे क्या करो आप जो है ना, कैंट में जो पानी लेके आते हो उस पानी को इसमें रखो, इस घरे पे रखो, वो सेम पानी है, सेम घरे में रखे हैं। देखिए उसका नेचुरल लेवल पे रखा है, और सब सारे पानी देख सकते हैं आप, बेसिक की ओर जा रहा है। और जो आप इसे बाजार से पीते हो, तो आप अपने बॉडी पे क्या देते हो, अल्कलाइन नेचर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। देखो ये येलो कलर का है, तो इस तरह से आप अपने घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं इस सॉल्यूशन से। आपको इसलिए घरे का पानी इस बेस्ट,
आप उसको प्रीफर कीजिए। और ये सारे आपको जैसे कि अभी जो पानी का जो ये चल रहा है क्या पोल्यूशन चल रहा है, तो आप इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो, बना के रख सकते हो। तो ये सर एज, और आप दूसरा वीडियो में लेके आ रहे हैं हनी को कैसे टेस्ट किया जाए, उसको आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।